नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर शर्म से झुका हुआ है, लेकिन देश की सर्वोच्च पंचायत संसद में इस पे चर्चा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो रसाकसी चल रही है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है और सरकार चर्चा करने को तैयार है, तो फिर अड़चन कहाँ आ रही है? क्यों विपक्ष अड़ा हुआ है अपनी मांग को लेकर और क्यों सत्ता पक्ष विपक्ष की मांग को नहीं मान रहा है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और साथ ही आपको इससे जुड़ी पक्की खबर भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष पीएम से चर्चा की शुरुआत करवाने पर क्यों अड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इतना बड़ा मामला है तो इस मामले की चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री के बयान से होनी चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई आप इस मामले पर चर्चा कीजिए, प्रधानमंत्री बयान देंगे पूरे मामले के खत्म होने के बाद। सत्ता पक्ष को चर्चा कराने में कोई हिचक नहीं, तो फिर उसे विपक्ष की मांग मानकर प्रधानमंत्री के बयान दिलाने में क्या आपत्ति है? ये सवाल उठ रहा है विपक्ष की तरफ से, ये आम लोगों के मन में भी सवाल है कि आखिर वजह क्या है। जब प्रधानमंत्री बयान दे सकते हैं तो फिर सत्ता पक्ष क्यों आ रहा हुआ है इस पर? ये बड़ा सवाल चल रहा है सबके दिमाग में। आज इसी को डिकोड करेंगे हम और साथ ही आपको वो पक्की खबर बताएंगे कि इसके पीछे की मंशा क्या है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष की। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए क्योंकि हम आगे इस पर डिटेलिंग करने वाले हैं, पूरी डिटेल में आपको हम बताएंगे आज। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इन्हीं दो सवालों पर इस बार ही नहीं, पिछले कई संसद सत्र जो है ठप चले, कामकाज नहीं हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके अलावा आप राफेल, आप देखिए जैसे मुद्दा हो गया राफेल का, आइए अब चर्चा कर लेते थोड़ा डिटेल में। अब आप देखिए राफेल का मुद्दा है, राफेल का मुद्दा हुआ, पेगासस का मुद्दा हुआ, कृषि कानून हुआ, अडानी का मुद्दा हुआ, हर संसद सत्र से पहले कोई ना कोई ऐसा विस्फोटक मुद्दा आता है जिसके बाद जो है क्या संसद हंगामेदार हो जाता है, संसद के कामकाज जो है ठप हो जाते हैं, न चर्चा होती है न कुछ होता है, करोड़ों का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, हम सबका नुकसान होता है। लेकिन न सत्ता पक्ष में चर्चा होती है और न विपक्ष में चर्चा होती है, यह बड़ी विडंबना है। इसके अलावा अब इस बार मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण का मामला संसद सत्र के शुरुआत होने के ठीक पहले आता है, एक दिन पहले आता है उसका वीडियो। अब इस वीडियो को और इसके टाइमिंग को लेकर सत्ता पक्ष सवाल उठाता है कि भाई आप जो है एकदम संसद सत्र के एक दिन पहले यह वीडियो आया और हंगामा शुरू हो गया। मणिपुर की घटना निश्चित ही रूप से भयावह है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, शर्मसार करने वाली घटना है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी किसी भी चीज में महसूस नहीं हो सकती है, जितनी शर्मिंदगी अभी महसूस हो रही है, जिस पर चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 74 दिन पहले हुई घटना का वीडियो अचानक संसद सत्र से पहले एक दिन पहले क्यों आता है, यह बड़ा सवाल है। इसके बाद जो दूसरा सवाल ये उठता है कि आप ये देखिए एक तरह से ये ट्रेंड बना हुआ है, एक तरह से ट्रेंड बना हुआ है कि हालांकि इस सवाल को भी खारिज नहीं कह सकता है कि संसद सत्र से शुरू होने से पहले कोई ना कोई ऐसा सुलगता मुद्दा ट्रेंड कर जाता है जिससे सत्ता पक्ष से महासंजोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग मानता है। और जाहिर सी बात है कि आप देखिए संसद सत्र के पहले कोई भी मुद्दा आता है और फिर वो क्या होता है, एक तरह से ये क्या है, सोचा समझा जो है, सोचा समझा प्रयोग है, ये सोचा समझा प्रयोग है। और ये प्रयोग कौन कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। हर सत्र से पहले कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि एकदम उसकी टाइमिंग पे आप ध्यान दीजिए, गजब की टाइमिंग है। अब सवाल ये उठता है कि हालांकि सरकार में होने के कारण उसका दायित्व तो बनता है कि वो इन मुद्दों का जवाब दे, मुद्दा उछलने की टाइमिंग जो भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुद्दे होते हैं तभी उछाले जाते हैं, ये तय है, ये बात सही है कि मुद्दे होते हैं तभी उछाले जाते हैं।
हालांकि राफेल और पेगासस जैसे मुद्दे जब उठे और जिसके वजह से संसद को ठप कर दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खत्म हो गया, कुछ नहीं निकला मामला में। पिछला संसद सत्र आप देख लीजिए, ठीक उसके शुरू होने से पहले हिंडनबर्ग ने बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन अडानी को लेकर एक खबर पब्लिश कर दी, पूरा संसद सत्र ठप हो गया। इसमें भी प्रधानमंत्री के बयान की मांग उठने लगी, हालांकि प्रधानमंत्री ने बयान दिया, आखिरी में बयान दिया, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम अपनी इस वीडियो में वो पक्की खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको ये साफ हो जाएगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष क्यों नहीं चर्चा को लेकर इतने संवेदनशील है, और इस चर्चा को कराने और ना कराने के पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या राजनीति है, यह आज हम अपनी पक्की खबर में आपको बताएंगे, ये सुनिश्चित है। आप हमारे वीडियो केवल देखते रहिए। अगर हम ये बात पूछे आपसे कि सत्ता पक्ष भी तो संसद चलाने के लिए विपक्ष की मांग मानने की जहमत कहां उठा रहा है, तो कोई गलत नहीं है। अगर सत्ता पक्ष को संसद चलाने की चिंता हो तो इन बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री को शुरू में बयान दिलवा देती, क्या दिक्कत थी सत्ता पक्ष को। और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि प्रधानमंत्री आखिर में जवाब देंगे, ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है, हर बार चर्चा के आखिरी में बयान देंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। आप देखिए, इसी बात को लेकर कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है बयान पहले ना दे। उन्होंने तो यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री को स्वयं संज्ञान लेकर इस पर पहले बयान देना चाहिए। उनको संसद सत्र के शुरुआत में ही उन लोगों का कहना है कि भाई आप सत्र के बाहर बयान दे देते हैं, ठीक है संसद सत्र में भी आके बयान दीजिए पहले, ये उनकी मांग है। अब सवाल ये उठता है कि भाई उनकी मांग तो जायज है, लेकिन अब इसमें ये होता है कि भाई लोकसभा में, अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि लोकसभा में चर्चा का नियम क्या है, तो यह तो हुई पीएम के इच्छा और अधिकार की बात। सामान्यतः परंपरा यह है कि चर्चा की शुरुआत विभागीय मंत्री से किया जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि विभाग के मंत्री ही चर्चा में भाग लेते, नई परंपरा की मांग करना संसद को सुनियोजित तरीके से नहीं चलाने देने के बराबर है, यह देश और राष्ट्र हित के लिए सही नहीं है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का अड़ियल रवैया की वजह से स्पीकर जो है वो बेहद नाराज है, बड़ा अड़ियल रवैया है विपक्ष का इस पर, और इससे स्पीकर भी नाराज है। सरकार भी स्पष्ट, सरकार ने कहा है कि वो चर्चा कराना चाहती है, हर मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है। विपक्ष, अभी शशि थरूर ने भी कहा कि भाई इतना बड़ा मामला है, प्रधानमंत्री सत्र के बाहर यानी संसद के बाहर, सत्र उनके कहने का मतलब यह कि संसद के बाहर वो बयान देते हैं, मीडिया के सामने बयान देते हैं, लेकिन सत्र के अंदर यानी संसद भवन में वो बयान नहीं देते हैं, चर्चा की शुरुआत नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि इसकी वजह क्या है। हालांकि आपको हम बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि वो चर्चा करने को तैयार हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि यह इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इसकी सच्चाई देश को जानना बेहद जरूरी है, और सच में हम सब जानना चाहते हैं कि मणिपुर की सच्चाई क्या है, आखिर मणिपुर में हिंसा क्यों हुई और अब तक हिंसा को क्यों नहीं रोका गया, और वो क्या कारण है कि हिंसा लगातार वहां चर्चा और सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अब किया क्या जाए। अब आपको हम, आप लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर, हम आपको हर एक मुद्दे को समझा रहे हैं, लेकिन अब समझिए कि क्या है, अब असली पीएम के बयान का असली खींचातान की वजह क्या, जरा समझिए आप। पक्ष विपक्ष की इन दलीलों से साफ है कि प्रधानमंत्री पहले या बाद में बयान देने का मामला इतना सरल नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बयान पहले और बाद में आए, यह सिर्फ कहने कहने भर की बात नहीं है, इसमें ही एक पक्की खबर है, इसमें ही एक गूढ़ बात है। और वो क्या है कि विपक्ष इस फिराक में रहता है कि किसी मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री को संसद में खड़ा करवाकर देश को यह संदेश दिया जाए कि उसकी राजनीति के अखाड़े में उसने बड़ी बाजी मार दी है। किसने? विपक्ष ने बड़ी बाजी मार ली है। विपक्ष की चाहत होती है कि वो सरकार के मुखिया को कटघरे में खड़ा करके खुद को बेहद ताकतवर राजनीतिक शक्ति के रूप में पेश करे, जनता के मुद्दों को खुद को काफी संवेदनशील बताए, ऐसे उसकी मंशा होती है। उधर सत्ता पक्ष भी राजनीति के घमा चौकड़ी के वक्त विपक्ष को बढ़त देने का कोई मौका छोड़ना नहीं देना चाहती है, इसीलिए नियम का हवाला दिया जाता है बार बार। मतलब सत्ता पक्ष जो है वो नहीं चाहता है कि विपक्ष की इस घमा चौकड़ी में
उसे कोई ऐसा मौका दे दे कि उसे राजनीतिक फायदा हो जाए। और विपक्ष ये चाहता है कि भाई हम उस सरकार के सबसे मुखिया को संसद में किसी मामले पर बयान देने में मजबूर कर दे, ताकि यह मैसेज जाए कि उसने उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी राजनीतिक दृष्टिकोण से उसने बाजी मार दी और वो ये समझने लगे कि भाई हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, हम ही हितैषी हैं जनता के मुद्दे को उठाने के लिए। और देखिए, हमने जनता के मतलब सरकार के मुखिया को संसद में मजबूर कर दिया बयान देने के लिए। यही इनकी मंशा होती है। अब इसमें सवाल उठता है कि भाई आप ये बता, आप नियम का हवाला देते हैं, आप देश को बताने की कोशिश करता है कि सरकार दायित्व। अब देखिए क्या होता है, अब सत्ता पक्ष ये जानता है कि भाई वो नियम का हवाला देता है, चूंकि वो सत्ता में है तो जाहिर सी बात है नियम का हवाला देगा। अब नियम का हवाला देकर वो ये बताना चाहता है कि भाई हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, यानी सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। संवेदनशील मुद्दे पर वो संवेदनशील नहीं है, वो देश का हित नहीं चाहता है। तो इसी की वजह से दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है, और मणिपुर का मुद्दा जो है वो आते गर्माता भी है और ठंडा भी पड़ जाता है, ना कोई चर्चा। और आप देखिएगा, अगर यही रवैया रहा तो अगला संसद सत्र भी जो है इसी के भेंट चढ़ जाएगा। संसद सत्र को ये लोग चलने नहीं देंगे, कोई ना कोई मुद्दा निकलेगी। टाइमिंग पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और इसके पहले भी आज देखिए, आप आम आदमी की पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया, ये चाहते हैं कि 267 में चर्चा हो, सरकार चाहती है कि 176 में चर्चा हो, 176 मतलब शॉर्ट टर्म चर्चा हो। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। पूरी खींचातान का आधार यही है कि भाई सत्ता और विपक्ष दोनों शह मात का खेल खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पटखनी देना चाहते हैं। और पटखनी ऐसे मुद्दे पे, मणिपुर के मुद्दे पे शर्मसार है देश। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर जो है शर्म से झुका हुआ है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम पक्की खबर में कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार।